दिनों से तैयारियां कर रही थी स्कूल में, आज उसका प्रेजेंटेशन था उस गाने का। और फ्रेंड्स क्या है ना कि ना मुझे तो ना डैडी दिखे ही नहीं, हम स्टेज के पास ही ना चेयर्स लगा रही थी बहुत सारी, ऐसे हर बार ही होता है, एनुअल फंक्शन में भी होता है, चेयर्स लगा रही थी वहाँ पर पेरेंट्स को बैठते हैं, तो मुझे डैडी तो दिखे ही नहीं। डैडी ने मुझे बताया था कि मैं आया था इसलिए डैडी आए थे। आपने आज मुझे देखा था वहाँ पे आपके स्कूल प्रेजेंटेशन में? पूरा अच्छे से देखा आपने हर जगह, सारे पेरेंट्स यहाँ बैठे थे, मैं दिखा आपको? क्यों? कहीं भी नहीं दिखे, क्योंकि मैं आया नहीं था यार, हमने फोटो भी खींच कर भेजी थी, वो तो ग्रुप में आई है। अरे यार तो जाना था, पूछ लो, पूछो मम्मा से, पूछो मम्मा से, पूछ लो। गुड आफ्टरनून, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगी, खुश होंगी, स्वस्थ होंगी। मैं आपको किचन में दिख रही हूँ, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही हूँ। किचन में मैंने दाल बना ली है, बच्चे सो गए हैं, कोई बात नहीं, अभी दोपहर तो दो ही हुए, बट मैं जब मौका लगे तब बनाने ला जी, आज जल्दी सो गए तो मैंने सोचा फटाफट फटाफट कुछ कर लेते। मेरा हाल ये सुख इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ना बाहर कपड़े ना सूख गए थे, और बाहर मैंने बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब बच्चे उड़ जाते हैं। मैंने फटाफट फटाफट कपड़े उतार के सीधा यहाँ आई हूँ, थोड़ा बहुत काम संभाला है। और ये दाल मैंने सुबह सुबह ही चढ़ा दी थी, सुबह मतलब इन द सेंस की 10 बजे के अराउंड, मतलब मैं चढ़ा रही थी, फिर चौका वोका मैंने बाद में लगाया था जिसमें ना, क्योंकि मैंने सोचा चौका जब काम, क्योंकि अब ना बच्चे बहुत रोते हैं, क्योंकि ना अब उन बड़े हो रहे हैं, उनको बाहर निकलना है, नीचे उतरना है, खेलना है, कूदना है, बट ना नहीं हो पाता। अगर कोई दूसरा बंदा होना साथ में तो बच्चों को काफ़ी मतलब घूम फिर लें, तभी इनकी थोड़ी एक्टिविटी भी ना एकदम उतरती है तो सुपर फास्ट होती है। बट एक होता है ना कि और ज़्यादा हो सकती है, मतलब हाँ अपने आप को संभालने में हर चीज़ में। और बेड से उतरना चढ़ना मीक सीख गया है, बट मी का नहीं सीखी है, मी का थोड़ी सी छोटी सी है ना, इसीलिए उसकी हाइट, मतलब हाइट तो उसकी भी बहुत कम, बट वो नहीं कर पाती है, थोड़ा ना वो कमज़ोर है ना, वो थोड़ी ऐसी ऐसी हो जाती है बस। मैंने पंखा चला रखा है क्योंकि थोड़ी ना सीलन सी हो रही थी, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, तो मैं देखी फिर पंखा चला रही थी। गर्मी में ना सब ऐसे हो जाता है, और अभी ना सर्दी आने वाली है, सर्दी आते आते ना अभी बारिश हुई थी ना तो ठंड लगने लग गई थी, बट अभी सर्दी आने वाली है ना, तो एक सर्दी आने से पहले बहुत गर्मी पड़ती है, तो वही हाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। मैं बाहर से आई ना, बहुत पसीने हो रहे हैं। और ये निष्ठा की बात है, इसके निष्ठा को हमने माफ़ कर दिया क्योंकि निष्ठा के डैडी ने मुझे बहुत बातें समझाई कि हमारा इन बच्चों के बिना को अलावा है कौन, कोई भी नहीं है। हमने भी बहुत चीज़ें फेस की हैं, मतलब पैसा इतना बड़ा हो गया है कि औलाद को हम ऐसे 24 घंटे टॉर्चर करते रहे, कर दिया, उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया वो तो खैर वो नहीं बता रही है, बार बार हम पूछ भी नहीं, बहुत बार पूछ लिया। बट ये वाली बात मैंने कल उसको मजाक में पूछा, बताना किससे गोदा, तो उसने बताया मुझे किससे गोदा, मैं आपके सामने भी करवाऊंगी अगर वो तैयार हो जाएगी तो। बट ये है ना कि औलाद से बढ़ते कुछ नहीं है, ना घर ना बाहर ना कुछ नहीं। अगर हम यही सोच रखेंगे कि नहीं पैसा ही सब कुछ है या चीज़ सब कुछ है, ठीक है समझने वाली बात है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बार बार पैसे खर्च होते हैं कहाँ से आए, बट इतना अब हो गया तो हो गया, हर बार भी नहीं होता है, कोई इतना बड़ा नुकसान हर बच्चा करता भी नहीं है, कोई कोई होता है जिसको बचपन में ऐसी यादगार चीज़ कर देता है कि मैंने 50,000 का नुकसान किया था, तो वाली बात है। तो इसीलिए हमने तो ये चीज़ें बहुत फेस किया है, तो हम इसलिए ना हमारे पास ना एक टाइम पर नौकरी भी नहीं थी, और उस टाइम ना हम जब निष्ठा हुई थी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उसको, तो हमने ना बहुत चीज़ें फेस किया, तो ये सब सोच के ना निष्ठा और डैडी मैम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो फिर मैं कहा चल छोड़ो ख़त्म करो, फिर अब नॉर्मल हो गए हैं सब हम, और अभी टीवी देखते हैं हमने क्या करा है। डैडी एक्चुअली बिग बिलियन सेल आने वाली है, तो उसमें देखते हैं हमें अगर कुछ डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उस हिसाब से हम चलेंगे। तो अभी पहले मैं ना चावल छोड़ रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए ना दाल चावल हो जाएंगे, थोड़े से ना चावल मतलब फ्राई उसमें बनने के लिए डाल देती हूँ, फिर आपसे मिला लेना। कढ़ाई डाल दिया कुकर में बॉयल होने के लिए, बॉयल हो रहे हैं। तो गाइस मैं ना हम मतलब इस ये जो चीज़ हुई ना छोटी छोटी होती रहती है, बट
इसके पीछे ना जब न्यूज था डैडी के आंखों में आंसू आ गए थे ना, कितना बड़ा नुकसान आ जाते हैं ऑटोमेटिकली कि बंदा कमाने वाला है। तो गाइस कितना ही कर लो सिर्फ फिर देखो किचन में ये सब जरूरी सामान है, बस ये है उनको ड्रॉर साफ करना है वो वाला। तो मैंने ये रात को लाए थे निष्ठा के डैडी बिस्किट, मेरे फेवरेट, मुझे चाय के साथ बिस्किट बहुत पसंद है, वो भी गुड डे वाला, या उनको गुड डे नहीं मिल रहे तो इसलिए गुड डे जैसा सेम ले आए, और ये उनका पोहा था। तो ये सामान है बस, बाकी देखो सब ज़रूरत का सामान है। पानी बार बार उधर जाते हैं थके हारे आएंगे, तो मैं भर के रख देती हूँ बॉटल अगर खा लिए तो मैं, या उनको नॉर्मल पीना है या मुझे खाने के लिए चाहिए, फिर सभी भरते होंगे फिल्टर पानी ना, उसके भरोसे कोई नहीं रहता कि कब कुछ हो जाए, तो हमारे साथ हो चुका है, तो इसलिए मैं फ़िल्टर पानी ना थोड़ा भर के रख लेती हूँ इसी वजह से ना, तो काम आता है। और देखो कि और ये सारा ज़रूरत का सामान है, वो किचन का सामान है वो भी नहीं फेंक सकती, उसको भी मैंने धो के रखा था, सब करूँगी। मिसर निष्ठा के स्ट्रॉ, उधर चम्मचें, और देखो बच्चे की बॉटल, हमेशा मैं पानी, अभी मैंने पानी धोना वोना धो के पानी चेंज किया है, रोज़ करती हूँ मैं, ज़रूरत पड़ती है दिन में 2 बार, ज़रूरत पड़ती है दिन में 1 बार। और ये कढ़ाई मेरी हमेशा तैयार रहती है, आप सोचते हो इतनी गंदी रहती है लेकिन मन सी भी रहता है। अभी सुबह ही मैंने यूज़ किया निष्ठा को लंच देने के लिए, तो और तेल भी मेरा चेंज होता रहता है, ऐसी बात नहीं है, तो मतलब हर दूसरे दिन ज़रूरत पड़ती रहती है मुझे ना इसकी कढ़ाई की ना, तो इस वजह से मैं हमेशा रेडी ही रखती हूँ उसको ना, और धो के भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप कई बार नहीं होता धो ली सूख गई तुरंत चढ़ानी भी पड़ जाती है। तो और ये देखो दोनों कुकर, उधर बर्तन, तो ये सारा ना ज़रूरत का सामान है। और बात ये है कि इतना घिच पिच नहीं रहता है, सफाई मेरे किचन में बहुत रहती है, बट ये ना स्लैब छोटा है, ये स्लैब छोटा है बस, घर बहुत छोटा है ना, ये ना बहुत छोटा घर है, स्पेस नहीं है घर में ना। हमारे घर में ना रिलेटिव्स भी आते हैं ना, जैसे आए थे कोई भी आता है, अभी तक तो खैर मायके से तो कोई मतलब नहीं है, वो नहीं बोलते मेरे मायके वाले, कोई नहीं बोलता है कुछ भी, और मेरे आगे तो वैसे ही नहीं बोलते, उनको पता है, और इंटरफेयर भी नहीं करते हैं किसी की लाइफ में, अगर हम बात कर रहे हैं तो बात करेंगे, अगर हम नहीं, अगर हम मतलब फालतू नहीं बोलते हैं, बस ये है। तो वो तो आते नहीं है, बिजी इतनी लाइफ हो गई है, और मेरी मम्मी भी नहीं जाती गई क्योंकि सबकी शादी ब्याह हो गए हैं, तो अच्छा नहीं लगता, बहुएँ आ गई हैं किसी घर जाके, किसी घर में बैठो बेफालतू में, चाहे भले ही अपनी बहन का घर है पर स्पेस बनाना पड़ता है ना एक टाइम के बाद ना, तो इसलिए मेरी मम्मी भी कहीं नहीं जाती है, ज़रूरत पड़ती है कुछ खुशी वुशी होती है तो जाते ही हैं, कुछ उनको हो रहा होता है अच्छा खुशी खुशी वाली चीज़, और या फिर फ़ोन पे हो जाती है बात, बट आना जाना नहीं हो पाता है, ऐसे मेरा है। अगर मैं गई कहीं तो मुझे बुलाते सब हैं, इन्विटेशन सब जगह से आता है, बट अगर मैं गई निष्ठा के डैडी के पास टाइम है, उनके बिना मैं कहीं भी नहीं जाती, तो उनमें टाइम है, छुट्टी मिल जाएगी तो जाऊँगी, वरना तो मैं नहीं जाऊँगी। रात से मेरे ना थोड़े ज़्यादा आपको दिख जाते हैं जब भी आते, तो सब मतलब लगा के यहाँ स्पेस कम है, मेरी मम्मी ने भी जब पहली बार घर देखा स्पेस कम है, बट मैंने ये बोरिंग की वजह से लिया क्या, क्योंकि यहाँ पे पानी है, बट मेरे लिए घर ना इतना लकी है ना कि मेरे को 2 छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मिले और सोच नहीं सकती मैं, तो मेरा चेंज करने का मन भी नहीं करता है, बट हाँ अगर कोई हमारे नसीब में हुआ निष्ठा की डैडी की जॉब अच्छे से इम्प्रूव होती रही और अच्छे से बढ़ती रहे आगे, तो हम एक बड़ा घर लेने के जैसे ही चेंज करेंगे, अदरवाइज 2 BHK बेच के 2 BHK कभी नहीं लेंगे हम, और ये घर तो छोड़ने का वैसे भी नहीं मन करेगा, तो इस घर को हम ना ज़्यादातर रखना ही चाहेंगे, क्योंकि इस घर में ना हम मतलब पॉजिटिविटी सी है बहुत ना, और हमारे लिए पता नहीं क्यों हमें अच्छा लगता है घर में ना, तो बस ये कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही थी, और अभी बच्चे सो ही रहे हैं। अभी मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैं स्कूल से आई थी ना तो फिर ना बच्चे दोनों सो रहे थे, लेकिन अभी ये दोनों उठ चुके हैं, देखो मम्मा ने इनको थोड़ा सा नहला भी दिया है पानी से, मम्मा ने कर दिया देखो। और फ्रेंड्स आज था मेरा प्रेजेंटेशन, हाँ जिसकी मैं इतने दिनों से तैयारियां कर रही थी स्कूल में, आज उसका प्रेजेंटेशन था उस गाने का। आपको नहीं पता क्योंकि आपने टीवी तोड़ दिया था, इसलिए हमने बताया नहीं था, हमें वो नहीं था ना कि इतना ये चीज टीवी की टेंशन इतनी हो रही थी, इतना नुकसान हो गया ना, ये बताया कि आज भी है। हाँ आज आपका फाइनल,
हाँ और फ्रेंड्स क्या है ना कि ना मुझे तो ना डैडी दिखे ही नहीं। हम स्टेज के पास ही ना चेयर्स लगा रखी थी बहुत सारी, ऐसे हर बार ही होता है, एनुअल फंक्शन में भी होता है, चेयर्स लगा रखी थी वहां पर पेरेंट्स को बैठते हैं, तो मुझे डैडी तो दिखे ही नहीं। हाँ वैसे भी इतनी भीड़ हो रही थी मुझे दिखे ही नहीं डैडी। और फिर डैडी ने फोटो भी भेजी थी हाँ, तो और डैडी ने मुझे बताया भी था कि मैं आया था इसलिए डैडी आए थे। हाँ और पता फ्रेंड्स के ना आज ना क्या हुआ था, क्या पता नहीं, जब तक हैं बादाम पिस्ता ढंग का खाना खाना चाहिए। मैं पिस्ता खा भूल जाओ तो सोचो कितनी बुरी हालत है आपकी। मैं पिस्ता खड़े भूलने लगी हो तो अब आप देख लो। मैं पिस्ता खाती इससे वो पिस्ता है हाँ। सीले पड़े हैं, सीले पड़े हैं। पता नहीं डैडी क्यों लावे ऐसी ऐसी चीज बिना उसके, ये तो समझ में नहीं आती। कोई भी बेवकूफ बना दे ना दुकान वाला, दो बात कर ले मीठी मीठी। यहाँ पे मैं आ गया हूँ घर पे, निष्ठा यहाँ पे, और आज था निष्ठा के स्कूल में, क्या था आज प्रेजेंटेशन थी एक क्लास थर्ड की, पूरी सारे बच्चों ने पार्ट लिया था, कोई म्यूजिक में था कोई डांस में था, नहीं ऐसे भी लोग थे जिन्होंने नहीं लिया था। हाँ, तो आज इनकी क्लास प्रेजेंटेशन थी तो काफी अच्छी रही प्रेजेंटेशन है ना, निष्ठा ने अच्छे से क्लास प्रेजेंटेशन में पार्ट लिया अपना है ना। मैंने थोड़ी लिया, मैम ने बोला मुझे, मैम ने डाला, मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी लिया, अगर अपनी मर्जी से लेना होता मैं डांस में ना चली जाती। ये भी है क्योंकि निष्ठा का जो मतलब निष्ठा की जो मेन हॉबी है वो डांस है, तो डांस में बहुत अच्छी है, बट कोई बात नहीं कभी कभी चलता है डांस, नहीं तो म्यूजिक में ले लिया मैडम ने। नहीं मैम ने मुझे कभी भी डांस में नहीं लिया, कभी कभार नहीं होता है। हो सकता है अभी जो एक और प्रेजेंटेशन भी तो होती है आपकी, कौन सी जो अभी होती है ठंड में भी तो होती है, एनुअल फंक्शन, हाँ उसमें ले लेगी है ना, हु नोस किसे पता है, क्या पता ले ले। और फ्रेंड्स पता है कल ना मेरा ना, मैंने ना ओलंपियाड में ना इंग्लिश का वो लिया था हाँ सब्जेक्ट, तो फिर कल इंग्लिश का है एग्जाम है कल निष्ठा का। मैंने आपसे ना ओलंपियाड की इंग्लिश की बुक मंगवाने वाली थी क्लास थर्ड की, मिली नहीं है स्कूल से, उन्होंने तो लिखा था कि हम देंगे सैंपल वैंपल देंगे, नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया ना। देखा गाइस एक्चुअली जो ओलंपियाड का एग्जाम है वो है 150 रुपये पर सब्जेक्ट, ठीक है, और एडिशनली आप अगर 100 रुपीज दोगे तो उन्होंने बोला था कि हम आपको स्टडी मटेरियल भी देंगे, ठीक है, तो हमने 150 रुपये एग्जाम के दिए थे प्लस एडिशनली 100 रुपये भी दिए थे निष्ठा को कि स्टडी मटेरियल मिलेगा उससे निष्ठा पढ़ेगी, बट कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं मिला और एग्जाम भी आ गया देखो कल, अभी तक कोई स्टडी मटेरियल भी नहीं मिला, तो ऐसे तो इनके स्कूल वाले हैं, किसी को नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने बस एक्स्ट्रा पैसे लेने थे किसी बहाने से वो उन्होंने ले लिए, बस ये किया मैंने। क्या चाहिए फोन मांग रहे हैं मैम ने, बता क्या हो रहा था, सबसे पहले ना आपका ही वो होगा म्यूजिक, हाँ म्यूजिक सबसे पहले ही होता है ना, क्योंकि जो गेस्ट आए होते हैं सबको उसको वो करना होता है, ग्रीट करना होता है सबको, इसलिए म्यूजिक के थ्रू गा के चलाया जा रहा है। अच्छा ये बताओ आपने आज मुझे देखा था वहाँ पे आपके स्कूल प्रेजेंटेशन में, पूरा अच्छे से देखा आपने हर जगह, सारे पेरेंट्स यहाँ बैठे थे, मैं दिखा आपको, क्यों कहीं भी नहीं दिखे, क्यों नहीं दिखा मैं बताऊं, क्योंकि मैं आया नहीं था यार, हमने फोटो भी खींच कर भेजी थी, वो तो ग्रुप में आई है। अरे यार मन तो करो ना मुझे दिखाओ कहाँ आई, फोटो तो ग्रुप में आई है ना, जो मैडम जो ग्रुप बना रहा था म्यूजिक का उसमें डाली थी, तो पेरेंट्स ने वो नहीं मिला, फोटो भी डाली वीडियो भी डाली, मैं आया ही नहीं था, झूठ मत बोलो, नहीं आया था मैं, लेट हो गया था ना, अभी ऑफिस भी तो जाना था, पूछ लो पूछो मम्मा से, पूछो मम्मा से पूछ लो, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मुझे फोटो दिखाओ, है फोटो दिखाओ तो, हां दिखाओ, दिखाता हूं चलो गाइस इसकी फोटो दिखाओ ना, फोटो तो ग्रुप में आई थी ना, अरे मैं नहीं आ पाया ना बेटा, फिर मेरे को टाइम नहीं मिला, यही पेरेंट्स का स्वागत करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ बोला था, कोई भी एक लाइन बता दो यार, मेरे को याद नहीं है टीशा, मैं फिर फोन जो याद हो वो बता दो, मेरे ऑफिस से फोन भी तो आ रहे थे तो मैं बताओ, मत करो ना डैडी बताओ ना, आप बता दो ना, मुझे याद नहीं आ रहा, क्यों बताऊं मैं आपसे पूछ रही हूं, मत करो ना इसे
आप बताना एक बार फिर मैं बताता हूँ। कैसे बताऊं गाइस मैं कौन सी लाइन क्यों नहीं बता रहे। हाँ देखो गाइस सो चुकी है निष्ठा और बहुत ही ज़्यादा मेरे को बोल रही थी कि मैं यानी आज इसकी प्रेजेंटेशन में, बट मेरे को काम था ऑफिस में प्लस लेट भी हो गया था। टाइमिंग इनकी सुबह 8 बजे की थी, क्या करते ऐसे गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर। बाकी अभी यहाँ पर है, सो चुकी है तो इसको कर देते हैं गुड नाइट। और दोनों बच्चे भी हमारे उस रूम में सो चुके हैं, तो इस व्लॉग को करते हैं पे एंड। हम आपको मिलेंगे कल कल सुबह 11 बजे एक न्यू व्लॉग के साथ। बाकी यहाँ पे हमारा डिनर आ गया, अब देखो ये रहा डिनर, चावल दाल। और अभी बज रहे हैं रात के 12:30, तो अब हम खा रहे हैं खाना। आपको दिखाता हूँ, देखो टाइम साढ़े 12 होने।